प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि मैथ्स टीचर आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट तो फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंड फाइंड देयर सॉल्यूशन तो ये आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है यहां से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्यूशन फाइंड करना है तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कोई भी मैथड यहाँ पे यूज करेंगे टू वुमेन्स एंड फाइव मैन कैन टूगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन थ्री डेज फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन तो जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझना कि जब भी हमें यहाँ पर इस टेप का क्वेश्चन हो जिसमें काम हो आ, कि हमें ये वर्क करना है इतने दिन में करना है एक दिन में ये कितना करेगा तो इसको आप अच्छे से समझना सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं तो लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क टू फिनिश द वर्क मतलब एक औरत जब अकेली काम करेगी तो उसको कितने डेज लगेंगे हम लेट करें कि एक वुमेन वन वुमेन जब अकेले काम करेगी सारा काम अकेले करेगी तो वो उसको एक्स डेज में फिनिश करेगी तो अब मुझे बताओ जैसे कोई काम है कोई भी काम है वो हमें उसको कंप्लीट करने हमें टू डेज लगते हैं एक काम है कोई भी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला ले लो या कोई होमवर्क ही ले लो उसको करने में हमें टू डेज लगते हैं तो एक दिन में हम उस उस काम का कितना पार्ट करेंगे एक दिन में हम उस काम का कितना पार्ट करेंगे एक दिन में उस काम का हम हाफ पार्ट करेंगे क्योंकि हाफ प्लस हाफ ही तो वन होता है हाफ प्लस हाफ वन होता है तो ये एक पूरा काम करने में जब हमें दो दिन लग रहे हैं, एक पूरा काम करने में दो दिन लग रहे हैं तो हम उस एक काम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ये एक काम है टोटल हमें टू डेज इसको लग रहे पूरा करने में तो इसका मतलब ये क्या है कि ये टू डेज जो लग रहे हैं आप उसको डिवाइड कर देना टोटल जितने भी डे लगते हैं उसको आप उस काम से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका टू डेज है तो वन बाय टू वन बाय टू एक दिन में आप आधा काम करोगे दूसरे दिन में आधा काम करोगे तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है जब वो सारा काम ए, एक एक्स डेज एक में फिनिश कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी तो क्योंकि हमें इक्वेशन यहाँ पे ऐसे ही फाइन करनी पड़ेगी तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें वन डे का वर्क निकालना होता है तो यहाँ पे हमने ये कहा कि लेट की वो अकेले एक्स डेज में काम फिनिश कर रही है तो उसका पर डे वर्क कितना हो जाएगा मतलब पर डे एक दिन में वो उस काम का कितना पोर्शन या कितना पार्ट करेगी तो वो कितना हो जाएगा उस वन काम मतलब तो एक टोटल एक ही काम है चाहे एम्ब्रॉयडरी वर्क हो कुछ भी हो तो ये वर्क के अंदर आप उस टोटल डेज का डिवाइड कर दोगे यहाँ पे हमें एक्स है जैसे मैंने यहाँ पे वन को टोटल पूरा काम एक है और डेज हमारे पास टू है तो वन बाय टू किया वैसे यहाँ पे वन और टोटल कितने डेज डेज में फिनिश कर रही है एक्स में तो एक्स में डिवाइड करेंगे तो ये पर डे का काम आ जाएगा क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं या बनाते हैं कि अगर ये काम चार दिन में फिनिश हो रहा है तो मुझे पर डे में इतना काम तो करना ही है इसका वन फोर्थ पार्ट तो हमें करने ही है तब जाके ये मेरा चार दिन में खत्म होगा सेम अब यहाँ पे मैन के लिए भी ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टेकन बाय वन मैन वन मैन टू फिनिश द वर्क तो अगर एक वन uh, मैन कितना लेता है कितने डेज में वो वर्क फिनिश करता है तो यहाँ पे हम लेट करें कि वो वाई डेज में उनको टोटल वुमेन uh, uh, को एक्स डेज लगते हैं मैन को वाई डेज लगते हैं तो देयर फॉर मैन का पर डे वर्क कितना हो जाएगा ये भी वही वन डिवाइड बाय वाई तो ये वन डिवाइड बाई वाई हो गया ठीक है अब हम यहाँ पे केस देखते हैं यहाँ पे दो केस है फर्स्ट ये है कि टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टूगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज तो फर्स्ट केस हम लेते हैं केस फर्स्ट केस फर्स्ट में आपको क्या लिखा हुआ है टू वुमेन एंड फाइव मैन दोनों मिलके काम कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे एड तो टू वुमेन और फाइव मैन मिलके टोटल काम कितने दिन में फिनिश करते हैं फोर डेज में फोर डेज में फिनिश करते हैं तो आप यहाँ पे देखो इससे तो हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि वुमेन कितना काम कर रही है जो भी टोटल एक काम है कोई भी एक जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क है अब एम्ब्रॉयडरी वर्क में ये सारे मिलके दोनों टू वुमेन और फाइव मैन मिलकर फोर डेज में वर्क फिनिश कर रहे हैं लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि टू वुमेन अकेले कितना कर रही है फाइव मैन अकेले कितना कर रहा है इनका काम का पोर्शन कितना कितना है लेकिन हम पर डे वर्क तो हम जानते हैं पर डे वर्क मैन का कितना है वुमेन का कितना है तो हम इसको आ, टू वुमेन है अगर एक वुमेन एक दिन में इतना काम करती है तो दो दो वुमेन मिलके एक दिन में कितना काम वन बाय फाइव का कितना हो जाएगा five into one by y हो जाएगा और ये भी एक ही दिन में कर रहे हैं है, तो ये भी एक दिन में ये चार दिन जिस काम को करने में लग रहे तो एक दिन में उसका कितना पोर्शन होगा तो ये वन बाय होगा मैंने अभी आपको कहा था कि जितना काम है उसको उससे डेज से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी तो वुमेन का वन डे का वर्क एक वुमेन का वन डे का वर्क वन बाई एक्स है तो टू वुमेन का कितना होगा टू इन टू वन बाई एक्स ठीक है फिर फाइव मैन है और वन मैन का वन डे का वर्क वन बाय है तो फाइव मैन का कितना हो जाएगा फाइव इन टू तो ये इसका आ, दो वुमेन का एक दिन का काम फाइव मैन का एक दिन का काम दोनों मिलके एक दिन में इस पूरे काम का कितना पोर्शन करेंगे तो ये वन बाय फोर इनको मतलब कि फोर डेज में एक काम फिनिश हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा उसका वन फोर्थ पार्टी होगा जैसे ये वन है तो इसमें आप जैसे ये हाफ यहाँ पे टू डेज था टू डेज था तो ये हाफ हाफ डे में हाफ वर्क वन डे का और ये टू डेज तो और हाफ डे तो पहले फर्स्ट डे में तो ये करेंगे उस कम का आधा पार्ट और सेकेंड डे में करेंगे यानी सेकेंड जो डे होगा उसमें भी ये करेंगे उसका हाफ पार्ट ठीक है तो सेम ही यहाँ पे अगर ये टोटल एक ही काम है लेकिन अब हमें फोर डेज में करना है वही काम हमें कितने डेज में करना है फोर डेज में तो यहाँ पे चार पार्ट हो जाएंगे पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन और चौथा दिन ये फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे तो अब ये चार से डिवाइड एक काम को चार पार्ट में डिवाइड करना तो वन बाय फोर ही होगा क्योंकि वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर ही तो वन होता है तभी तो इन सबको एड करके ये वन आएगा अगर यहाँ पे एट डेज में फिनिश हो रहा है तो एट पोर्शन होंगे वन बाई एट वन बाय एट वन बाई एट तो जो भी काम है उसमें उसको डे को डिवाइड करेंगे तो हमें वन डे का वर्क मिल जाएगा तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ। टू इंटू वन हो गया टू बाई एक्स फिर फाइव इंटू वन हो गया फाइव बाय वाई इक्वल टू वन बाय फोर तो आपको ये समझ में आ गया हमने वन बाय फोर क्यों किया तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें सारे मिलके काम कर रहे हैं लेकिन एक जो है ना एक कितने दिन में करेगा यानी एक अकेली वुमन कितने दिन में काम को खत्म करेगी एक मैन अकेला कितने दिन में काम को खत्म करेगा तो आपको इक्वेशन में लेफ्ट में भी वन डे का वर्क रखना है और राइट में भी वन डे का वर्क रखना है तो ये टू वुमेन का वन डे का वर्क प्लस फाइव मैन का वन डे का वर्क इक्वल टू टू टोटल काम है वो एक दिन में कितना काम फिनिश हो रहा है क्योंकि दोनों मिलके एक ही दिन में तो काम कर रहे हैं ये काम को कर रहे हैं सारे मिलके उस काम का वन बाय फोर पार्ट करेंगे हो गई फर्स्ट नाउ हम केस सेकंड देखते हैं सेम यहाँ पे सेकंड भी ऐसे होगा यहाँ पे वाई थ्री वुमेन अभी कितनी वुमेन है थ्री वुमेन प्लस सिक्स मैन सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन थ्री डेज तो ये टोटल सारे मिलके थ्री डेज में फिनिश कर रहे हैं तो यही थ्री वुमन है तो वन वुमन का वर्क से मल्टीपल कर देंगे तो तीन मिलके उस काम का थ्री बाई एक्स पोर्शन करेगी फिर सिक्स मैन है और वन डे का मैन का वर्क वन बाय वाई और ये थ्री डेज में काम फिनिश हो रहा है क्योंकि ये एक दिन का काम है तो ये भी एक दिन में उस काम का वन थर्ड पोर्शन होगा सेम जैसे हमने ऊपर बनाया तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ये थ्री बाय एक्स प्लस सिक्स बाय वाई इक्वल टू वन बाय थ्री इक्वेशन हमारी हो गई टू ठीक है अब आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये यहाँ पे पहले भी इस, ऐसी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इसी एक्सरसाइज में तो ये वन बाय एक्स यहाँ पे वेरिएबल क्या है डिवाइड में है ना ये डिवाइड में है ये देखो अब यहाँ पे ये यहाँ पे भी डिवाइड में तो डिवाइड में है तो हम इनकी वैल्यू पुट कर ले क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है ना एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेरिएबल तो डिनोमिनेटर तो में है और हमें तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चाहिए नहीं हमें तो वेरिएबल सारे न्यूमिनेटर में चाहिए इस इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन की फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की उस फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करते हैं इनको लेट कर लेते हैं तो लेट वन बाय एक्स इक्वल टू यू एंड वन बाय वाईक्वल टू वी तो ये इसको हमने यू लेट किया इसको वी नाउप कर लेते टू इन टू वन बाय एक्स वन बाय एक्स की जगह हमें यू रखना है तो टू यू प्लस फाइव वी हो जाएगा फाइव वी इक्वल टू वन बाय फोर हो गया नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया नेक्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे हो गई ये दी थ्री वन बाय एक्स की जगह हमें रखना है यू थ्री यू प्लस सिक्स इसके जगह हमने रखना है वी इक्वल टू वन बाय थ्री अब हमें इक्वेशन को सॉल्व फॉर्म में करना है तो हम क्या कर लेते हैं फोर को इधर मल्टीपल कर लेते हैं और थ्री को भी यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे आ, ये नंबर जो है आपके फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे और बाकी आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन नंबर सोल्व करना आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हो पर क्वेश्चन को इक्वेशन को ईजी बनाने के लिए हम फोर को इधर मल्टीपल कर देते हैं थ्री को इधर मल्टीपल कर देते हैं तो दिस सिम्पलाइज फोर हो गया तो ये फोर मल्टीपल हो गया क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीपल में आ गया टू यू प्लस फाइव वी इक्वल टू वन हो गया तो दिस एम्प्लाइज फोर इंटू टू एट यू प्लस फाइव इंटू फोर ट्वेंटी वी इक्वल टू वन हो गया सेम यहाँ पे भी थ्री मल्टीपल हो जाएगा तो ये थ्री यू प्लस सिक्स वी इक्वल टू वन तो ये हो गया हमारा थ्री इंटू थ्री नाइन यू प्लस सिक्स इंटू थ्री एटीन वी इक्वल टू वन तो इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री राइट कर ले इसको इक्वेशन नंबर फोर राइट कर लेते हैं. ना दोनों इक्वेशन में से हम आ, u को एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि देखो u का कॉफिशियंट 8 है यहाँ u का कॉफिशियंट 9 है तो 8 के टेबल में 9 नहीं आता 9 के टेबल में 8 नहीं आता और सेम v के साथ भी यही है v यह, का कॉफिशियंट 20 है और यहाँ v का कॉफिशियंट 18 है तो v 20 के टेबल में 18 नहीं आता और 18 के टेबल में 20 नहीं आता तो हम किसी को भी इस चाहे सॉल्व करें दोनों ही इक्वेशन को मल्टीपल करना पड़ेगा तो हम यू के कॉफिशियंट को इक्वल करते हैं और सबसे पहले यू को एलिमिनेट कर दें तो इक्वेशन थ्री को हम मल्टीपल करेंगे इस से सेकेंड इक्वेशन में U के कॉफिशियंट से तो यहाँ पे नाइन से मल्टीपल करेंगे और इक्वेशन नंबर फोर को हम इक्वेशन थ्री में U के कॉफिशियंट से मल्टीपल करेंगे तो मैं यहां पे राइट कर लेती नाइन यू प्लस एटीन वी इक्वल टू वन तो अब यहाँ पे मल्टीपल करके और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग ये हमारी इक्वेशन थ्री थी और इक्वेशन फोर तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाय नाइन बोथ साइड ओके एंड फोर बाय एट तो यहाँ से हम नाइन से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड एट यू प्लस ट्वेंटी वी इक्वल टू नाइन इंटू वन और यहाँ एट से एट इंटू नाइन यू प्लस एटीन वी इक्वल टू वन इंटू एट तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेवनटी टू यू प्लस वन एटी वी इक्वल टू नाइन और ये हमारा हो गया सेवनटी टू यू प्लस एट इंटू एट सिक्सटी फोर फोर और सिक्स एट इंटू वन एट और ये वन फोर्टी फोर वी इक्वल टू एट तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं ये फिफ्थ एंड सिक्स फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स तो ये हमारा हो गया सेवनटी टू यू प्लस वन एटी वी इक्वल टू नाइन और ये हो गया सेवनटी टू यू प्लस मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड सबसे सही लगता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड सही लगे आप उससे सॉल्व करना चाहे सब्सिट्यूशन हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो ग्राफिकल हो तो ये यहाँ पे दोनों क्योंकि हम यू को एलिमिनेट कर रहे हैं और यू दोनों ही क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन चेंज होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव एलिमिनेट तो, तो होगा नहीं तो हम साइन चेंज कर देंगे ये भी नेगेटिव 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 तो ये सेवनटी टू यू प्लस का सेवनटी टू यू माइनस का कैंसिल फिर वन एटी वी माइनस वन फोर्टी फोर वी यहाँ पे कितना हो गया थर्टी सिक्स वी हो गया और नाइन माइनस एट हो गया वन तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वी कितना आ गया हमारा वन बाय थर्टी सिक्स तो ये हमने वी की वैल्यू फाइंड कर ली ना अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यू की तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते क्योंकि 18 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन फोर में पुट करते पुटिंग टू वन बाई थर्टी सिक्स इन इक्वेशन नंबर फोर तो फोर तो में पुट कर गया तो ये हो गया नाइन यू प्लस एटीन इन टू वन बाय थर्टी सिक्स इक्वल टू वन तो ये हो गया नाइन यू प्लस एटीन के टेबल में सिक्सटीन टू टाइम तो वन बाय टू इक्वल टू वन हो गया तो हमारा दिस इम्प्लाइज नाइन यू वन बाय टू को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं इसमें वेरिएबल नहीं है इसलिए तो ये वन माइनस कितना हो गया वन बाय टू प्लस वन बाय टू इधर आके माइनस वन बाय टू हो गया तो नाइन यू इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं टू और वन का एलसीएम टू वन के टेबल में टू टू टाइम आता है तो यहाँ पे टू इन टू वन टू माइनस वन तो 9, U कितना हो गया यहाँ पे वन बाय टू और हमें यू की वैल्यू चाहिए तो हम इस नाइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यूल टू वन अपॉन टू इन टू नाइन हो गया तो ये हमारी यू की वैल्यू आ गई तो हमें यू और वी की वैल्यू फाइंड करनी थी उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमने एक्स और वाई को यू और वी की टर्म में ही तो लेट किया है ठीक है तो सबसे पहले अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं नाउ नाउ u इक्वल टू हमने लेट किया था वन बाय एक्स और u की एक और वैल्यू कितनी आई है वन बाय एटीन ये देखो u इक्वल टू हमने वन बाय एक्स लिया था यहाँ पे ये ना u इक्वल टू वन बाय एक्स और ये u इक्वल टू वन बाय एटीन तो यहाँ पे u की वैल्यू ये u की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं तो दिस एम्प्लाइज वन बाय एटीन इक्वल टू वन बाय एक्स क्रॉस मल्टीपल किया तो ये दोनों न्यूमरेटर बन जाएंगे x इक्वल टू एटीन तो ये यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हम सेम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं नाउ हमारा कितना आया था कितना आ गया थर्टी सिक्स तो ये हमारी वाई uh, की वैल्यू भी आ गई okay? तो अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं क्योंकि वो लिखना कंपलसरी नहीं तो आपके हाफ मार्क्स लेप्स हो जाएंगे दस वन वुमेन वन वुमेन अलून यही हमने लैक्ट किया था कैन फिनिश कैन फिनिश एम्ब्रॉयड्री एम्ब्रॉयड्री वर्क इन वुमेन के लिए हमने एक्सलेक्ट किया था तो एटीन डेज अकेले अगर वो काम करेगी तो एटीन डेज में फिनिश करेगी एंड वन मैन लोन कैन फिनिश इट एन थर्टी सिक्स डेज तो ये फाइनल आंसर ठीक है एक वुमेन अकेले काम करेगी तो एटीन डेज में उसका काम फिनिश होगा और अगर वन मैन अकेला काम करेगा तो ये थर्टी सिक्स डेज में फिनिश करेगा आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें